बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी, बहुत खुशी हुई आपसे कॉल मिल गई, बहुत अच्छा दर्द दिया आपने। इसके रोज भी अगर हम याद ध्यानी कराए तो मुझे मुफ्ती साहब एक ख्वाब, मैंने फजर की नमाज पढ़ के अभी एक हफ्ता हुआ देखा कि हम जिस घर में मेरे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं ना, उस घर में मैं हूँ और उस कमरे में, एक कमरे में से एक काले रंग का सांप है और उसका आगे का हिस्सा बिल्कुल कछुए की तरह है, लेकिन दूर से मुझे नजर नहीं आ रहा उसका मुंह कैसा है। तो मेरे शौहर ने उसको सीधे हाथ से उठाया और ले गया, कहने लगे वो समंदर में कुछ लोग जा रहे हैं तो मैं वहाँ फेंक दूंगा। फिर उसी वक्त देखा मैंने कि जिस घर में मेरे बहन भाई सब पैदा हुए हैं उस घर में मैं हूँ और मैं जगह जगह साफ कर रही हूँ, मैं कहीं ये तो साफ हो गया अब ये रह गया, तो मेरी आँख खुली। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने जो प्रोग्राम को पसंद किया और हमारे आज के दर्स को पसंद किया, अप्रिशिएट किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे हक़ में भी इसको सदका जारिया बनाए। और बाकी आपने जो ख्वाब देखा है, पहला जो ख्वाब देखा है इसका मतलब कोई दुश्मन था, बहुत सख्त जान किस्म का बुरा दुश्मन था, अल्लाह ने उसको छुटकारा दे दिया, उससे छुटकारा हो गया है और आपके शौहर ने उसको जो है वो समंदर की तरफ फेंक दिया है, उन लोगों को दे दिया है, इसका मतलब दुश्मन आपके घर से निकल गया तो हिफाजत हो गई। इसलिए हसबे तौफीक आप सदका दे दें और शुक्राने के तौर पे दो रकात नमाज शुक्राना अदा करें। दूसरा ख्वाब भी आपके हक़ में अच्छा है, आप जो घर को साफ़ कर रही हैं इसका मतलब वहाँ पर जो गंदे बुरे असरात थे आपकी दुआ से, आपके सदक़ात से, आपकी खैरात से अल्लाह ने उस घर को भी उस तरह की गंदगी और उन परेशानियों से बचा लिया है। और जैसे जैसे आप सबसे साफ़ करती जा रही हैं, यानी आप जो दुआएं कर रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके बहन भाइयों को भी मुख्तलिफ तरह की परेशानियों से महफूज कर रहे हैं। दुआएं जारी रखें और उनको भी बता दें कि वो भी अल्लाह से दुआएं करते रहें, इंशाअल्लाह परेशानियों से हिफाजत रहेगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।